तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता ही देता हूँ, 26 जनवरी का आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे रहो, खुश रहो। तो यार आप सब सोच रहे हो कि यार रेवंत पागल है क्या यार, वीडियो के शुरू में हंस रहा है, इतना खुशी क्यों है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज बता देता हूँ, जिसे सुन के आप भी मेरी तरह खुशी होंगे और हंसी आएगा आपको भी। तो यार फाइनली काफी समय इंतजार करने के बाद 4G लॉन्च हो चुका है, प्ले स्टोर पे आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि 4G को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे डाउनलोड करना तो बहुत ही इजी है क्योंकि यार प्ले स्टोर पे आ गया है, तो प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई मोबाइल में नहीं आया है, तो मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा कि क्यों नहीं आया है। और अभी तो मेरा मोबाइल पे मैंने देखा कि यार 4G आ चुका है, मुझे नोटिफिकेशन मिल चुका है, मैंने डाउनलोड भी कर लिया है, लेकिन अभी तक ओपन नहीं किया है क्योंकि यार मैंने आप लोगों के लिए इंतजार किया है, क्योंकि यार हम सब मिलकर देखेंगे कि 4G जो गेम है वो कैसा है। तो सबसे पहले तो यार मैं अपना मोबाइल का स्क्रीन पे जाता हूं, जाने के बाद एक आईडी बना लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि गेम जो है वो कैसा है, वो पबजी या फिर फ्री फायर को टक्कर दे सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, आपका मोबाइल का जो प्ले स्टोर है तो उसको ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं मेरा मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूं। तो ओपन करने के बाद फिर आपको यहां पे सर्च करना है 4G। तो 4G सर्च करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस नहीं आएगा, क्योंकि यार मेरे सामने ऐसा इंटरफेस इसलिए आया है क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल किया है। तो अगर आपका मोबाइल पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है तो आपको इंस्टॉल कर लेना है, लेकिन अगर आपका मोबाइल पे इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, प्रे रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, तो फिर आपको प्रे रजिस्टर करना है और थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद फिर आप भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यार इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यार ओपन हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है, तो यार यहाँ पे तो वेट करना पड़ेगा क्योंकि लोडिंग हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फोकस कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लोडिंग हो गया है, तो उसके बाद फिर क्या करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद फिर से लोडिंग हो रहा है। तो इसका जो साउंड है तो इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। ठीक है, क्या बात है यार, गेम की जो साउंड है वो तो एकदम बहुत ही कमाल की है। यहाँ पे दिखा रहा है कनेक्टिंग सर्विस, तो मतलब कि भाई कनेक्ट हो रहा है, तो वेट करना पड़ेगा। चलो वेट करते हैं, साइड में आग है, ओह रोशनी है। यार गेम का जो थीम है एक्चुअली मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पे प्लेयर का जो नाम है वो आपको देना पड़ेगा, मतलब कि आपका नेम। ठीक है, तो चलिए मैं यार यहाँ पे मेरा जो भी नाम है तो उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे नाम देता हूँ पापान BR, उसके बाद फिर देता हूँ नूप, है ना। तो उसके बाद फिर राइट पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक्सेप्ट क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यार जो कैरेक्टर है वो ऐसा है। तो उसके बाद फिर अगर आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो सेटिंग्स पे कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, ऐसे यहाँ पे आप जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा सकते हो, उसके बाद जो बैकग्राउंड वॉल्यूम है उसको बढ़ा सकते हो, या फिर कुल मिला के अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर आप यहाँ पे जो ग्राफिक्स है तो इसको भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे कि वेरी लो, उसके बाद फिर लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा। ठीक है, उसके बाद नीचे आप यहाँ पे सेंसिटिविटी को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो मैं इसको ऐसा ही रहने देता हूँ, उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करके इसको रीसेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यार मैं बैक कर लेता हूँ। और यहाँ पे कुछ कॉइन दिख रहा है, जैसे कि यार पबजी में यूज होता है, या फिर फ्री फायर में इलाइट पास, या फिर डायमंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं स्टोर पे क्लिक कर देता हूँ, तो स्टोर पे देखता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे। तो जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हो, स्टोर पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ गया है, तो इसको हम खरीद सकते हैं। उसके बाद फिर लोड आउट पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऐसा इंटरफेस आया है। यहाँ पे 4G लिखा है, उसके बाद टोकन्स पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ लिखा है, अगर हम 30 टोकन्स को लेना चाहते हैं तो इसके लिए ₹19 देना पड़ेगा, और अगर हम 230 टोकन्स को लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ₹149 देना पड़ेगा। उसके बाद फिर अगर हम 500 टोकन्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ₹299 देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप ऐड देख के भी टोकन्स को अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यार इसको बैक कर लेता हूँ, और बैक करने के बाद अभी हम इसको प्ले करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं प्ले पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों कमिंग सुन है। ठीक है, तो स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ दिखाएगा। ठीक है, तो चलो आप देख लेते हैं। ओह क्या आवाज़ आ रहा है यार, तो यार चलो यार इनको सुन लेते हैं। ठीक है, यार मुझे इसलिए और भी बहुत अच्छा लग रहा है ये जो गेम है, क्योंकि यार हिंदी भाषा में दिया है, तो यार इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। सच में यार आपको दिल से बोल रहा हूँ यार, मतलब प्राउडफुल होता है कि यार हमारा हिंदी भाषा में गेम बना है। तो चलो यार हम इसकी पे क्लिक कर देते हैं, और उसके बाद फिर से लोडिंग हो रहा है, तो वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 4G फेयरलेस एंड
यूनाइटेड गार्ड्स, ठीक है, मतलब इसका जो फुल नेम है, यू नो फुल फॉर्म। तो लोडिंग हो रहा है तो वेट तो करना ही पड़ेगा यार। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो गेम में आ चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है, इससे हम लेफ्ट राइट हो सकते हैं। चलो यार चलते हैं। अरे यार मेरा मॉल पे रैम बहुत कम है तो इसलिए शायद लैग कर रहा है। 2 GB रैम है भाई, मतलब 2 GB। अरे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद इधर करना पड़ेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है यार, इधर जाते हैं। उसके बाद इधर क्लिक करना पड़ेगा। तो भाई अभी इनको मारना पड़ेगा, तो चलो यार मारते हैं। तो शायद ये 25 मिनट का गेम है, ठीक है, मतलब कि गेम में टाइमर है। इनको मारना पड़ेगा और मार के ही जो मिशन है तो उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो यार ऐसा ही कुछ गेम है, आप लोग देखो यार। चलो एक बंदों के मार लेते हैं, उसको मार लिया, उसके बाद इधर क्लिक करने के लिए बोल रहा है। तो यार ऐसा ही गेम है। तो यार आज की वीडियो बस इतना ही, आप डाउनलोड करके देख लेना। तो यार वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये गेम कैसा लगा है, या फिर पबजी फ्री फायर को टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो यार आपको तो पता ही, उस रेड वाले बटन को दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसको तोड़ दो फोड़ दो कुछ भी कर दो, बस सब्सक्राइब होना चाहिए यार। और वीडियो को शेयर करके फैला देना अपने उन दोस्त के साथ कि यार देखो फाइनली फौजी आ चुका है हमारा इंडियन गेम। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन यार पहले मेरा बात सुनो, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो ही सब्सक्राइब कर देना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि यार आपका लाइव है, आपका मोबाइल है, आप जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, मैं कौन बोलने वाला ज़ोर ज़बरदस्ती करने वाला। तो यार तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, जय हिंद वंदे मातरम। और हाँ 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 रुको रुको रुको, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम इज़ द नेम पापान बी आर। तो बाय बाय।